तो फाइनली दोस्तों दशहरा ने अपने पहले चार दिन शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिए हैं और पहले दिन की धमाकेदार ओपनिंग के साथ पहले चार दिन तक रिकॉर्ड तोड़ कमाई अपने खाते में रखी है। दोस्तों आज बात करेंगे दशहरा अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, क्या दशहरा भोला को टक्कर दे पा रही है, क्या मूवी सुपर हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, क्या KGF और पुष्पा की तरह पैन इंडिया में दशहरा जगह बना पाई या कब्जा की तरह ये भी पिट गई, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक लाइक तो वीडियो को बनता है यार, और चैनल में नए हो तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नानी के करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी दशहरा पैन इंडिया में सॉलिड जगह बना रही है अपने पहले दिन से ही, क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी अपने पहले दिन में इस फिल्म ने कमाई करी। जी हाँ, 30 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन सिर्फ इंडिया से किया, वहीं तमिल तेलुगु स्क्रीन से लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास होल्ड करा था। जबकि साथ में भोला जैसी दिग्गज मूवी भी रिलीज हुई जिसका कंटेंट भी सेम मासी है, फुल ऑफ एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन धूल चढ़ा दी भोला को पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बता दूं तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा के सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली है। बता दूं तो नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस हफ्ते नंबर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्टर मूवी का खिताब अपने नाम किया, जहां भोला जैसी धमाकेदार फिल्म को जबरदस्त खदेड़ा है और अपने दूसरे दिन 15 करोड़ और तीसरे दिन 18 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से करके 70 करोड़ का बिग कलेक्शन मात्र 3 दिन में ही कर लिया और अपना बजट 65 करोड़ 3 दिन में ही कवर कर लिया था। दोस्तों नानी ने फर्स्ट टाइम ऐसी मासी मूवी के साथ पैन इंडिया में अपना डेब्यूट किया है जो कि काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। बता दूं तो मूवी जबरदस्त मासी है, KGF और पुष्पा का टेस्ट जिसके मुंह में लग चुका था उन लोगों को ये मूवी एकदम सॉलिड लगी और इसी पॉजिटिव रेस्पॉन्स ने मूवी को लगातार अपने पहले चार दिन में भर भर कर बिजनेस दिया है। बात करें कल्याणी डे 4 यानी दशहरा के फर्स्ट संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो लगभग 15 करोड़ की कमाई नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से करी, 20 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन ग्रॉस इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा, साथ ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 24 करोड़ के आसपास करा। इसी के साथ भारत सहित पूरी दुनिया में लगभग 95 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंचा दिया है और नानी के करियर की एक बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी उभर कर सामने आई है दशहरा मात्र पहले चार दिन में ही। बात करें आज यानी डे 5 के एडवांस बुकिंग सिनेरियो की तो मॉर्निंग से ही लगभग 28-30% की ऑक्यूपेंसी लेते हुए पांचवें दिन की धमाकेदार शुरुआत करी है, साथ ही आफ्टरनून और इवनिंग के शो की भी काफी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज अपने डे 5 में एंड ऑफ द डे लगभग 6-7 करोड़ का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते नजर आएगी, साथ ही लगभग 9 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड से भी। तो देखो आंकड़ा कहां तक जाके रुकता है। दोस्तों नो डाउट मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, अगर आप लोगों ने भी दशहरा देख लिया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि मूवी आपको कैसी लगी। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।